कोरोना वायरस को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। ऐसे में कई शहरों में पोल्ट्री के बिजनेस पर सीधा असर देखा जा रहा है, क्योंकि अफवाहों के चलते लोगों ने नॉनवेज खाना बंद कर दिया है। मांसाहार में भी खासकर चिकन को लेकर लोगों के बीच खौफ है कि इसे खाने से कोरोना वायरस फैलता है, जिसकी वजह से पोल्ट्री बिजनेस से जुड़े लोगों को दिक्कत हो रही है। इन अफवाहों के बीच बिहार में एक अनोखा मामला सामने आया, जिसमें अरवल के पोल्ट्री फार्म मालिक ने मजबूरी में एक दो नहीं बल्कि 5,000 से अधिक मुर्गों को घर की छत पर ले गए और वहां से उनसे एक एक कर मुर्गे को नीचे फेंकना शुरू किया, जिसे लूटने के लिए उसके घर के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई। दरअसल पोल्ट्री फार्म संचालकों का कहना है कि कोरोना वायरस के अफवाहों की वजह से बिक्री पर असर पड़ा है और काफी संख्या में मुर्गों का रखरखाव करना मुश्किल है, इसलिए मुर्गों को फ्री में ही लुटाने की ठानी। आपको बता दें कि बाजार में 100 रुपए से लेकर 110 रुपए किलो बिकने वाला मुर्गा 20 रुपए से लेकर 30 रुपए किलो के भाव बिक रहा है। न्यूज़ डेस्क।